हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारे कार्य पत्रक है 36 36 गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 5 के लिए। इसमें देखो अभी दक्षता चित्र व समय के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाने की समझ बना पाना। अब यहाँ पर क्या अभी एक घड़ी दी हुई है, इसमें समय दिखाया गया है, आपको वो समय लिखना है। इधर एक लड़का दिखाया गया है जो सोकर उठा है। घड़ी में समय देखकर बताइए तुम सुबह कितने बजे उठते हो। अब यहाँ पर देखो अभी घड़ी में बताना है आपको, ये छोटी सुई है 5 पर टिकी हुई है, ये घंटा है और ये जो है ये क्या है मिनट पर है। तो 5 बजे कितने बजे, अभी 5 बजे कितने बजे उठते हो, अभी 5 बजे। अब लिखो तो यहाँ पर प्रातः लिख सकते हो, पहले प्रातः 5 बजे, या इस प्रकार भी लिख सकते हो 5 AM, वो आपकी मर्जी है। दो नंबर प्रश्न है, अपने दिन भर के काम को कर्म में जमाओ। आपको सुबह उठने के बाद में आप क्या करते हो, स्कूल जाना, नाश्ता करना, खेलना, नहाना, पढ़ना, दोस्तों से मिलना। तो आपको सबसे पहले क्या करोगे आप, वो लिखना है आपको। पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, नहाओगे। क्या करोगे, नहाना। तो आप पहले यहाँ लिखोगे नहाना, उसके बाद में क्या करोगे आप, नाश्ता करना, नाश्ता करना। फिर क्या करोगे आप, स्कूल जाओगे, स्कूल जाना। आपका क्रम कोई और हो सकता है। स्कूल जाने के बाद में क्या करोगे आप, दोस्तों से मिलोगे, दोस्तों से मिलना। उसके बाद में विद्यालय में आप क्या करोगे भी, पढ़ना, पढ़ोगे। फिर शाम को क्या करोगे भी, खेलना। इस पर विद्यालय जाने के बाद में पढ़ाई होगी, यानी कि खेल खेल लास्ट में चला जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 देखिए भी, इसमें क्या कह रहा है भी, खुशी की दिनचर्या देखिए। खुशी नाम की कोई बच्ची है, उसकी दिनचर्या है। घड़ी के समय और चित्र देखकर काम का अनुमान लगाइए आप, यहाँ कौन सा काम किया जा रहा है, और कामों को कर्म भी देना है आपको, 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये क्या है अभी, 6 बजे, कितने बजे हैं अभी, 6 AM है, अर्थात सुबह के 6 बजे में ये क्या कही है अभी, ये उठी है। क्या है अभी, उठना या जागना। सुबह जागिए, इसमें क्या है अभी, ये नाश्ता करना। क्या कर रही है अभी, 7 बजे, 7 बजे या 7 AM या प्रातः 7 बजे क्या करिए अभी, नाश्ता करना। क्या करना अभी, नाश्ता करना। इसके बाद में क्या हो रहा है अभी, 8 बजे, ये कितने बजे अभी, 8 बजे में, प्रातः 8 बजे या 8 AM पर क्या कर रही है वो, विद्यालय जाना, विद्यालय जाना या स्कूल जाना लिख सकते हो आप। फिर क्या है अभी, 10 बजे में, 10 AM लिखो या प्रातः 10 बजे क्या करिए वो, पढ़ना। कर्म लिखोगे तो कर्म लिख सकते हो, वह पहले क्या है अभी, उठी, 1 नंबर ये आएगा। 2 नंबर उसने क्या किया अभी, नाश्ता किया। 3 नंबर वह विद्यालय गई, और फिर 4 नंबर उसने पढ़ाई की। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए कार्य पत्र, अगला कार्य पत्रक है 37। दक्षता क्या विकसित होने वाली, कैलेंडर पर एक विशेष दिन, कैलेंडर पर एक विशेष दिन तथा दिनांक को पहचानने की समझ विकसित करना। आपके घर में कैलेंडर होगा, क्या उसमें आप तारीख, वार, तारीख और वार देख सकते हो, दिनांक देख सकते हो। तो हम इसमें समझेंगे, छूटे हुए दिन को सही क्रम में मिलाइए और लिखिए। अब छोटा कोई भी इसमें खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पर सोमवार है, सोमवार के बाद में क्या आता है अभी, नीचे यहाँ पर दिन दिए हुए इनमें से छांट कर लिखना, या मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी, मंगलवार। फिर मंगलवार के बाद में क्या आएगा अभी, बुधवार आएगा। बुधवार के बाद में क्या आ गया, गुरुवार आ गया, बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं। फिर शुक्रवार आ गया, शुक्रवार बाद में क्या आएगा अभी, यहाँ से एक शनिवार आएगा। क्या आएगा अभी, शनिवार।
तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी शनिवार लिखेंगे, और शनिवार के बाद में क्या आएगा, अभी ये रविवार आ जाएगा, इस प्रकार लिखोगे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक पेड़ दिखाया गया, पेड़ की पत्तियों पर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे दिया हुआ है, अंग्रेजी में दिए हुए, इनको भी आप पढ़ सकते हो। अगला देखो, अभी प्रश्न संख्या दो है, कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक जनवरी 2023 का कैलेंडर है, आपको इस प्रकार कैलेंडर देखा होगा, इस प्रकार यहाँ पर वार दिए मिलेंगे, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। यहाँ पर क्या है, अभी ये तारीख दी हुई है, सोमवार इस महीने में 2 तारीख को, 9 को, 16 को, 23 को, 30 को सोमवार है, इसका मतलब मंगलवार 3, 10, 17, 24 और 31 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, और ये जो तारीख दी हुई है 4, 11, 18, 25 को बुधवार है, 5, 12, 19 और 26 को क्या बार पड़ेगा, अभी इस महीने में गुरुवार है, इस प्रकार आप देख सकते हो। संडे कितने कितनी तारीख को अभी पूछा जा सकता है, 1 को, 8 को, 15 को, 22 को, 29 को संडे है। इसमें पहला तीसरा प्रश्न दिया है, जनवरी महीने में कुल कितने दिन है, अब यहाँ पर इसमें कितने संख्या एक से लेकर कितने संख्या दी हुई, अभी 31 तक दी हुई है, तो आप यहाँ पर ख ऑप्शन सही करोगे, यहाँ ख लिखोगे, इस महीने में कितने दिन है, अभी 31 दिन है। कई बार क्या होता है, अभी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर 29 और यहाँ पर 30 और 31 दोबारा लिख देते, ऊपर लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पूरा चेक करना है कि यहाँ पर 31 दिन होते हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न दे रहा है, 11 और 25 तारीख को कौन सा वार है, आपको 11 और 25 तारीख देखनी है, 11 तारीख ये रही, 25 तारीख ये रही, इसमें कौन सा वार पड़ता है, अभी बुधवार, तो आपको यहाँ पर टिक करना है या फिर यहाँ पर गया लिखना है। वीडियो अच्छा लगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक्स।